Hello everyone, welcome to AnthroWorld. So in this lecture we are going to discuss about the topic comparative anatomy of man and apes. तो हम यहाँ man और apes की body structure के comparison को देखेंगे. तो आइए lecture को start करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि man और apes कैसे एक दूसरे से related हैं. Human and apes belongs to the same super family. तो ये same super family से belong करते हैं and they share the many similar traits. तो बहुत सारे similar traits share करते हैं, जैसे increased brain volume and intelligence. brain volume increase हुआ है, intelligence increase हुआ है, extended ontogeny means जो इनका life span है from embryo to old age or till the death. तो इनका life span extend हुआ है. increases complexity of social interaction. तो सोशल इंट्रैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ी है और बॉडी साइज़ बढ़ी हुई है. तो ये कुछ इनके सिमिलर फीचर्स होते हैं जो मैन और एप्स शेयर करते हैं. दे ऑल्सो शेयर सम की पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमिकल ट्रेट्स. पोस्ट क्रेनियल क्या होता है कि ऑल और पार्ट ऑफ स्केलेटन अपार्ट फ्रॉम द स्कल. तो स्कल को छोड़ करके स्केलेटन के सारे पार्ट को या फिर कुछ पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं. तो ये होता है पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमिकल ट्रेट्स. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सस्पेंसरी रोटेटिंग शोल्डर एपरेटस. ये शोल्डर है, शोल्डर एपरेटस दैट अलाउज फॉर द आर्म हैंगिंग, जो हेल्प करता है हैंगिंग में और स्विंगिंग में, जिसे मेन या एप में ये हेल्प मिलता है हैंगिंग में और स्विंगिंग में. डिस्पाइट दिस सिमिलैरिटी ह्यूमन एंड एप्स ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस. ये सारी सिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी इनमें कुछ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और ये डिफरेंसेस रेज हुए हैं बिकॉज ऑफ बाइपेडलिज्म एंड द एडॉप्टेशन ऑफ इरेक्ट पोस्चर इन द ह्यूमन. तो ये ह्यूमन के बाइपेडलिज्म और इरेक्ट पोस्चर को अडॉप्ट करने की वजह से हुए हैं. तो आइए अब इनके कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं. तीन तरह के डिफरेंसेस देखेंगे हम ह्यूमन और एप में. पहला स्कल से रिलेटेड है, दूसरा टिथ और जॉ से रिलेटेड होगा और तीसरा स्केलेटल डिफरेंसेस से रिलेटेड होगा. तो सबसे पहले स्कल से रिलेटेड पहला डिफरेंस देखते हैं क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में. एप्स हैव अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्स 400 सेंटीमीटर. तो एप्स के पास जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो अराउंड 400 सेंटीमीटर की होती है कंपेयर्ड विद द 1400 सेंटीमीटर इन ह्यूमन्स. तो ह्यूमन्स में ये 1400 सेंटीमीटर की होती है. तो ह्यूमन का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो एप से ज़्यादा है. नेक्स्ट प्रोगेंथिज्म. ये क्या होता है कि एप्स हैव अ प्रोनाउंस्ड मजल. मजल क्या होता है कि जो प्रोजेक्टेड फेस होता है जो नोज और माउथ को इंक्लूड करता है. द टीथ प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम देयर फेस. तो फेस क्या होता है कि ये निकला होता है, ये जो प्रोजेक्टिंग फेस है ये चीज़ शो करता है मजल को और टीथ बाहर की तरफ निकले होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द प्रोगनेथिज्म. दिस इज़ कॉमन इन अर्ली होमिनियंस. तो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उनमें भी ये चीज़ें कॉमन थी एज लाइक एप्स, बट बाद में ह्यूमिनियंस में ये फ्लैटर फेस हो गया और बाद में आकर ये फेस धीरे धीरे फ्लैट हो गया. पहले ये उभरा हुआ था लेकिन ये बाद में फ्लैट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम एक होल होता है एट द बेस ऑफ द स्कल. तो ये स्कल का बेस है और ये होल है. ये ह्यूमन स्कल है और ये चिंपैंजी स्कल है. वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंटर्स द ब्रेन. तो देखिए जो स्कल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड जहाँ ऐड करती है स्कल को वहाँ ये होल होता है जो कि सपोर्ट करती है उसके स्कल को और स्पाइनल कॉर्ड यहीं कनेक्टेड होता है इसी होल के थ्रू. द फोरामेन मैग्नम इज़ टुवर्ड्स द बैक ऑफ द स्कल इन एप्स. तो जो फोरामेन मैग्नम एप्स में होता है वो उनके स्कल के बैक साइड में होता है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. तो ये उनके बैक साइड में होता है. एंड इन ह्यूमन्स द फोरामेन मैग्नम इज़ एट फुलक्रम. तो ये एक बैलेंस पॉइंट होता है
तो जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो ये इसके बैलेंस पॉइंट पे होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूकल एरिया। न्यूकल एरिया क्या होता है? द एरिया वेयर द नेक मसल्स अटैच ऑन टू द बैक ऑफ द स्कल टू कीप इट बैलेंस्ड ऑन द स्पाइनल कॉलम और लुकिंग फॉरवर्ड। तो न्यूकल एरिया के थ्रू नेक मसल्स अटैच होती हैं और ये बॉडी को बैलेंस रखने में मदद करती हैं। तो जो स्पाइनल कॉलम की बात कर रहे थे, जहाँ अटैच होता है, तो उसके पास का ये एरिया होता है न्यूकल एरिया, और ये काफ़ी कम होता है ह्यूमन बीइंग में। और चूँकि ये बैक से कनेक्टेड होते हैं एप्स, तो इनका ये एरिया ज़्यादा होता है। सो एप्स हैव वेरी लार्ज न्यूकल एरिया एंड एसोसिएटेड नेक मसल्स बिकॉज ग्रेटर मसल्स स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू कीप द स्कल लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये इनको आगे देखने में हेल्प करता है, लार्जर न्यूकल एरिया जो होता है इनका। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पोरल मसल्स। टेम्पोरल मसल्स क्या होते हैं? दिस मसल्स दैट पुल अप द जॉ या बाइट। तो ये जो मसल्स होते हैं, ये जॉ को पुल करने में, जबड़े को पुल करने में हेल्प करते हैं, या जब च्विंग करते हैं या बाइट करते हैं तो उसमें ये मसल्स जॉ को खींचने में मदद करते हैं, उसको स्ट्रेच करने में मदद करते हैं, पुल करने में मदद करते हैं। सो टेम्पोरल एरिया इज़ वेयर दिस मसल अटैच ऑन द स्कल। एक टेम्पोरल एरिया होता है जहाँ पे ये मसल्स स्कल से अटैच होते हैं। इन एप्स दीज आर बॉथ मर्ज लार्जर। तो एप्स में ये जो दोनों ही टेम्पोरल मसल्स होते हैं ये लार्जर होते हैं। दिस प्रोबेबली करिस्पॉन्डेड टू अ मच मोर प्रिमिटिव डाइट। तो ये प्रिमिटिव डाइट के हिसाब से इनका टेम्पोरल मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, और प्रिमिटिव डाइट में अलॉट ऑफ मोर फाइबरस प्लांट आते हैं जो इन्हें च्विंग करने के लिए ये जॉ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सैगिटल क्रेस्ट। सैगिटल क्रेस्ट क्या होता है? एक रिज होता है ऑफ द बोन रनिंग लेंथ वाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द टॉप ऑफ द स्कल। तो एक टॉप ऑफ द स्कल पे एक मिड लाइन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैगिटल क्रेस्ट को दिखाया गया है। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस रीज ऑफ बोन इंडिकेट दैट देयर आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स। तो सैगिटल क्रेस्ट का प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स है। यहाँ ह्यूमन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई सैगिटल क्रेस्ट नहीं पाया जा रहा है। द सैगिटल क्रेस्ट सर्व प्राइमरली फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टेम्पोरलिस मसल विच वन ऑफ द मेन च्यूइंग मसल्स। तो सैगिटल क्रेस्ट जो होता है प्राइमरली एक टेम्पोरलिस मसल से अटैच होता है जो कि वन ऑफ द मेन च्यूइंग मसल है। इट इज़ एबसेंट और ग्रेटली रिड्यूस्ड इन मोस्ट होमिनिस। तो ह्यूमन्स में या तो एबसेंट होता है या बहुत ही माइनर होता है। तो ये होता है सैगिटल क्रेस्ट। नेक्स्ट कंपेयर देखते हैं टिथ और जॉ की। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मैंडिबल, जिसे हम लोअर जॉ भी बोलते हैं। तो मैंडिबल इज़ मच लार्जर इन द एप्स। तो एप्स में ये जो मैंडिबल होता है ये लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। दिस इज एसोसिएटेड विद अ मोर प्रिमिटिव डाइट कंसिस्टिंग ऑफ लीव्स एंड द फाइबरस प्लांट दैट नीड टू बी ग्राउंड डाउन। तो ये सेम प्रिमिटिव डाइट से रिलेटेड है, और इसमें फाइबरस प्लांट और लीव्स आते हैं, उनको च्विंग करने के लिए इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए इनका जो लोअर जॉ या मैंडिबल होता है वो लार्जर होता है। इन ह्यूमन ह्यूमन में अ चिन हैज़ डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट अ वीक पॉइंट इन आर लेस रबस्ट स्किल। स्कल के वीक पॉइंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चिन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द डेंटल आर्केड या अपर जॉ। सो द डेंटल आर्केड इज़ द सेप मेड बाय द रोज ऑफ टिथ। तो ये रोज ऑफ टिथ से बने होते हैं अपर जॉ में। द एप्स हैव मच मोर यू सेप डेंटल आर्केड। एप्स में मच मोर यू सेप डेंटल आर्केड होता है, जबकि ह्यूमंस में मोर वी सेप्ड होता है या पैराबोलिक टाइप में होता है डेंटल आर्केड। एप्स हैज़ अ गैप नोन एज द डायस्टेमा। सो डायस्टेमा यू कैन सी हियर दैट द गैप बिटवीन द टू टिथ एंड दैट इज द दिस वन इज़ द कैनाइन एंड दिस वन इज़ द
incisor. So diastema is between the canine and incisor. So this gap accommodates the enlarged lower canines. तो ये accommodate करता है enlarged lower canines को. अगर हम इनके जॉ को देखें तो जो अपर जॉ होता है और जो लोअर जॉ होता है, तो अगर यहाँ पे कैनाइन और इंसीजर के बीच में अगर गैप है तो जो लोअर कैनाइन होगा जो बड़े होते हैं तो इनको इनके माउथ में फिट करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए स्पेस होता है और इसे हम डायस्टेमा कहते हैं. टिथ. सो एप्स हैव मच लार्जर कैनाइंस एंड इंसीजर्स. तो एप्स के जो कैनाइन और इंसीजर होते हैं वो लार्जर होते हैं. ये इंसीजर हो गया और ये कैनाइन है. दिस टिथ मे हैव प्लेड अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन डिफेंस. अगर ये दांत बड़े हैं तो इनके डिफेंस में भी हेल्प करते हैं. एंड एप्स ऑल्सो हैव अ मच लार्जर ग्राइंडिंग सर्फेस ऑन देयर मोलर्स. तो जो ये मोलर्स होते हैं तो इनके पास एक ग्राइंडिंग का ज़्यादा सर्फेस होता है टू प्रोसेस द लिफी एंड द फाइबरस प्लांट मटेरियल. तो जो लिफी और फाइबरस प्लांट होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए. इन ह्यूमन द कैनाइंस आर रफली द सेम साइज ऑफ द टू सेक्सेस. तो जो ह्यूमन में कैनाइंस होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं अगर हम मेल और फीमेल को कंपेयर करते हैं तो. लेकिन बहुत सारे एप्स में, इन मेनी एप्स, कैनाइंस आर लार्जर इन द मेल्स देन द फीमेल्स. तो एप्स में जो मेल का कैनाइन होता है वो फीमेल से बड़ा होता है. एज द मेल्स कम्पीट फॉर फीमेल्स, लार्जर कैनाइन आर सेलेक्टेड फॉर. तो अगर मेल्स कम्पीट करते हैं फीमेल्स के लिए फॉर एनी पर्पस लाइक मेटिंग एंड ऑल, सो लार्ज कैनाइन जो है वो कंसिडर किया जाता है और उसे प्रिफरेंस दिया जाता है. द टिथ ऑफ एप्स टेंड टू हैव थिनर एनामेल एंड एडेप्टेशन टू ईटिंग फ्रूट. तो जो एप्स का एनामेल होता है वो थिनर होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग का थिक एनामेल होता है जो कि टफर फूड को च्यूइंग करने के एडेप्टेशन की वजह से हुआ. नेक्स्ट डिफरेंस, की स्केलेटल डिफरेंसेस. इसमें सबसे पहले देखते हैं चेस्ट और रिब केज. सो ह्यूमंस हैव अ ब्रॉड चेस्ट दैट इज़ फ्लैटर फ्रंट टू बैक. तो ये ब्रॉड चेस्ट होता है जो कि फ्लैटर होता है, प्लेसिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैक टूवर्ड द स्पाइन. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो स्पाइन के बैक साइड में होता है एंड हेल्पिंग अस टू स्टैंड मोर अपराइट. तो हमें ये सीधा स्ट्रेट खड़ा होने में हेल्प करता है. एप्स हैव अ राउंडर और बैरल शेप्ड रिब केज. तो अगर एप का हम चेस्ट देखें तो ये कुछ राउंडर या बैरल शेप में है. स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम देखते हैं नेक्स्ट. द ह्यूमन स्पाइन हैज़ द एस शेप. तो अगर हम यहाँ देखें तो इनका जो स्पाइन का शेप है वो कुछ एस शेप में है. दैट कीप्स द हेड एंड द टॉर्सो अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जो ह्यूमन के हेड और टॉर्सो को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फोकस में रखता है. इट ऑल्सो एक्ट्स अ लिटिल लाइक स्प्रिंग टू एब्जॉर्ब फोर्स और द जेरिंग ड्यूरिंग द एक्टिविटी. तो जो स्पाइन होता है ह्यूमन बींग का वो स्प्रिंग टाइप बिहेव करता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग एक्टिविटी. पेल्विस. हम पेल्विस को देखें तो ह्यूमन हैव अ मच ब्रॉडर पेल्विस. ह्यूमन को जो पेल्विस होता है ये मच ब्रॉडर होता है एज़ कम्पेयर टू एप्स. सो दिस गिव्स द स्टेबिलिटी व्हेन वॉकिंग अपराइट एट इज ट्रांसफर्स द वेट डायरेक्टली टू द लेग्स. तो ये ब्रॉडर होने की वजह से जो बॉडी का वेट है वो पैरों पे ट्रांसफ़र कर देता है. इसकी वजह से बॉडी में स्टेबिलिटी आती है और हम स्ट्रेट खड़ा रह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द नी वेलगस एंगल. सो दिस इज़ द नी वेलगस एंगल. सो ह्यूमन ऑल्सो हैव अ लार्जर वेलगस एंगल. द एंगल द फेमर. फेमर ये जो हड्डी होती है अपर लेग बोन मेक्स एट द नी. तो नी के साथ जो फेमर का एंगल बनता है उसे हम वेलगस एंगल बोलते हैं. दिस मीन्स दैट आवर थिक्स स्लोप इनवर्ड ब्रिंगिंग आउट फिट इनटू द क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो
इसकी वजह से हमारा फिट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के काफ़ी क्लोज रहता है और हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। दिस मीन्स दैट वी शिफ्ट लेस वेट वेन वॉकिंग, मेकिंग इट मोर इफ़िशियंट। तो इसकी वजह से हम बहुत लेस वेट शिफ्ट करते हैं जब हम टहलते हैं और ये इसे मोर इफ़िशियंट बनाता है। एप्स हैव अ मच स्मॉलर वेलगस एंगल। तो जो वेलगस एंगल होता है एप्स का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। एंड वेन दे अटेम्प्ट टू वॉक ऑन द टू लेग्स दे वैडल। तो ह्यूमन बींग में ये एंगल ज़्यादा होता है और इस वजह से बॉडी के बैलेंस को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास में रखता है और बॉडी का बैलेंस बना रहता है, और जो बाइपेडलिज्म में बहुत हेल्प करता है बॉडी को स्ट्रेट रखने में। ह्यूमंस ऑल्सो हैव द वाइडर फेमोरल कॉन्डाइल्स। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑन विच द बोन पाइवट्स टू प्रिवेंट द साइडवेज मूवमेंट ऑफ द नीज। तो ये फेमोरल कॉन्डाइल्स जो होता है एक तरह से नी प्लेट होता है जो कि नी के साइड में मूवमेंट को रोकता है, मीन्स कि नी एक पॉइंट तक ही मूव कर सकता है और अगर आगे की तरफ ये मूव करेगा तो ये फेमोरल कॉन्डाइल्स इसको प्रिवेंट करता है आगे आने से, जिससे बॉडी स्ट्रेट खड़ी रह पाती है ह्यूमन बीइंग की। नेक्स्ट फिट की बात करते हैं। सो एप्स टेंड टू बी फ्लैट फुटेड। एप्स जो होते हैं वो फ्लैट फुटेड होते हैं और इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास प्लैंटीग्रेड फिट होता है। प्लैंटीग्रेड फिट का मतलब होता है कि ये वॉकिंग विद द इंटायर सोल। तो ये इंटायर सोल अपने फिट के इंटायर सोल पे ये मूव करते हैं। ह्यूमंस हैव द आर्क फिट। ह्यूमन का जो है वो आर्क फिट होता है। दिस प्रिवेंट द आर्क फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड एक्ट लाइक स्प्रिंग। तो ये आर्क फिट होता है जो कि कोलैप्स होने से रोकता है और एक स्प्रिंग की तरह काम करता है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। विच आर स्ट्रेच्ड दस स्टोरिंग एनर्जी। जब स्ट्रेच होता है तो एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब फुट नीचे की तरफ आता है तब ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जो हमारे चलने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स टू कैटापल्ट द बॉडी अपवर्ड अगेन। और ये बॉडी को स्ट्रेट रखने में, बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। एप्स है प्रीहेंसाइल और द ग्रैस्पिंग फिट। तो एप्स का जो फिट होता है वो प्रीहेंसाइल होता है जिसकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी होती है विथ अ साइडवे फेसिंग बिग टो। जिसका बिग टो है वो साइड में होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसका बिग टो एक साइड में होता है। एंड ह्यूमंस हैव अ फॉरवर्ड फेसिंग बिग टो टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फाइनल थ्रस्ट वेन वॉकिंग। तो ये एक्स्ट्रा थ्रस्ट देते हैं जब ह्यूमन बीइंग वॉक करता है। तो ये डिफरेंस हुआ फिट के रिगार्डिंग। अब यहाँ कुछ टेबल्स में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इसे हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एप्स और ह्यूमन में। तो एप्स का सेमी इरेक्ट पोस्चर होता है, ह्यूमन्स का कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर होता है। एप्स के शॉर्टर नेक होते हैं एंड एम्बेडेड होते हैं, और ह्यूमन के लॉन्ग होते हैं और इरेक्ट नेक होते हैं। एप्स की थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द कंप्लीट बॉडी। तो कंप्लीट बॉडी पे इनके हेयर का ग्रोथ होता है जबकि ह्यूमन के कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट पे होता है। एप्स की क्रैनियल कैपेसिटी कम होती है, 650 cc होती है, और ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा होती है, 1300 to 1600 के अराउंड होती है। एप्स लेस इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग मोर इंटेलिजेंट होते हैं। एप्स के फोर लिम्स लॉन्गर दैन हिंड लिम्स होते हैं और ह्यूमन्स के फोर लिम्स शॉर्टर होते हैं दैन द हिंड लिम। एप्स के जॉ यू शेप्ड होते हैं और ह्यूमन्स के सेमी सर्कुलर जॉ होते हैं। एप्स में चिन अब्सेंट होता है और इस ह्यूमन बीइंग में चिन प्रेजेंट होता है। थम इज़ पैरेलल टू पाम। थम पैरेलली अटैच होता है पाम से जबकि ह्यूमन का थम अपोजेबल होता है। एलोंगेटेड पेल्विक गिर्डल होता है और ह्यूमन में ब्रॉड पेल्विक गिर्डल होता है जो बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में देखा था, लेकिन अब एक टेबल फॉर्म में इसको हम देख लेते हैं। तो ह्यूमंस
कैन क्लाइम ऑन द ट्री दस हैव अ फर्म ग्रिप, तो उनका एक फर्म उनके हाथ में फर्म ग्रिप होता है जिसकी वजह से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। एंड मंकी एंड एप्स ऑल्सो क्लाइम ऑन द ट्री, और उनका उनके पास स्ट्रॉन्गर एंड फर्म ग्रिप होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, बट ह्यूमन भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। मदर्स गिव बर्थ टू बेबीज, बेबी को बर्थ देती हैं ह्यूमन बींग में, इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। मंकी एंड एप्स भी बच्चे को जन्म देती हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। मदर्स ब्रेस्ट फीड करते हैं एंड प्रोड्यूस द नेचुरल फूड फॉर द चाइल्ड ह्यूमन बींग्स में, और एप्स में और मंकीज़ में मदर्स हैव ऑल्सो ब्रेस्ट फीड एंड नेचुरल फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन। ह्यूमन कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, सो ह्यूमन लंबी डिस्टेंस वॉक कर सकता है, एंड मंकी एंड एप्स कैन ऑल्सो कवर लार्ज डिस्टेंस। सो दिस वॉज द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द ह्यूमन एंड एप्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @anthrowordedu, और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @anthroword। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।